مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل انصزوا فانصزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير والله بما تعملون خبير وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رب زدني علما برادران اسلام حاضرین جماعت دینی ملی بھائیو بزرگو ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو ایک حقیر اور نجیس و ناپاک پانی سے پیدا فرمایا اور ہمیں ہر قسم کی طاقت و قوت عقل و نقل اور فہم و فراست بصارت و بصیرت ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا بعدہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ وسلم و بارک علیہ حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے پیدائش کے بعد انسان کے اندر جب عقل آ جاتی ہے اور بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو دو طرح کی ذمہ داریاں عائد فرماتا ہے اور ایک انسان کا مقام مرتبہ رتبہ درجہ بلند کرنے کے لیے وہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہے اپنا لیبل بڑھانے کے لیے اپنا چھاپ بڑھانے کے لیے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے وہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں یہ ذمہ داری انسان کو بالغ ہو جانے کے بعد عائد ہوتی ہے اور بلوغت سے پہلے ماں باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لاڈلے پیارے چھوٹے معصوم جو بچے ہیں ان کی اچھی تعلیم دے اچھی تربیت کرے اس کی پرورش
इस तरह से हो कि उसकी परवरिश से माँ बाप का नाम रोशन हो, माँ बाप की नाक ऊंची हो, माँ बाप का मकाम बढ़े। कि अगर मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में, गांव घर में किसी का बच्चा देखना है तो फला आदमी को देखो, उसका बच्चा का अखलाक कितना अच्छा है, उसकी तरबियत कितनी अच्छी है, उस बच्चा से कभी किसी को शिकायत नहीं मिलती है, उस बच्चा से कभी कोई गलत काम नहीं होता है। ये जिम्मेदारी माँ बाप पर बनती है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से लेकर के आप चलें कि आपके बच्चा आपका तारुफ कराएंगे, आपके बच्चे से आपको लोग पहचानेंगे। अभी कई रोज़ पहले एक वाकया मोबाइल में गर्दिश कर रहा था, ये कह लीजिए वायरल हो रहा था कि एक गवर्नर था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का, तो उस गवर्नर के बच्चा ने किसी के बच्चा को मार दिया और उस गवर्नर के बच्चा को ये खुशफहमी थी कि वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है इसलिए कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ। वो मामूली थर्ड क्लास का आदमी होगा जिसका वो बच्चा होगा, लेकिन वो तो ज़माना अदल था, इंसाफ का ज़माना था, दौरे फारूकी था और फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जानते ही कि उनका नाम ही लकब पड़ा हुआ था फारूक, और फारूक के माना होता है फ़र्क करने वाला। फारूक का माना क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क करने वाला। वो किस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते? हक और बातिल में, जायज़ और नाजायज़ में, हराम और हलाल में। उनके पास कोई मरुवत और रू रियायत की बात नहीं होती। वो मुंह देखकर काम नहीं करते, वो चेहरा देखकर काम नहीं करते। गलत है गलत, चाहे कोई भी हो। अदालत में बात पहुंच गई कि गवर्नर के बेटा ने फला के बेटा को मार दिया। गवर्नर को जब मालूम पड़ा, कहा कि अगर ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक अगर पहुंच जाएगी तो मेरा मामला बहुत ख़राब होगा। उसने फौरन उस बच्चा को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा जो है, इसने जितना ज़ोर से तुमको मारा था बाबू, मेरे बेटों को भी तुम उसी तरह से मार लो, मेरे बेटे को भी मार लो। उसने मार दिया, बात बराबर हो गई। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को जब ये बात मालूम हुई तो उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने गवर्नर को बुलाया और बुलाने के बाद अपने ग़ुलाम से कहा कि तुम इस गवर्नर को भी एक तमाचा लगाओ गाल में। अब अमीरुल मोमिनीन ने उनके सामने तो कोई चूचरा करने का हक़ ही नहीं बनता, हिम्मत ही नहीं होती, लेकिन सोचने लगा कि मैंने तो इंसाफ कर दिया, फिर हमारे गाल में तमाचा क्यों लग रहा है। ज़रा सवाल हुआ तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जवाब तुमको बाद में देंगे, पहले मेरे ग़ुलाम को जो ऑर्डर हुआ है वो काम करने दो। उसने मारा गुलाम ने गवर्नर को एक तमाचा, कहा अब सुनो मैंने क्यों तुम्हारे गाल में तमाचा लगवाया। कहा कि अदला बदला तो हो गया था, मुझे तमाचा नहीं लगवाना था, लेकिन मैंने इसलिए लगवाया कि तुमने अपने बच्चा की तरबियत कैसे की थी कि तुम्हारा बच्चा के अंदर ये तकब्बुर आ गया था, घमंड आ गया था कि मैं गवर्नर का बच्चा हूँ, मैं किसी को मार दूँ तो कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे बच्चा की तुमने अच्छी तरबियत नहीं की,
उसकी सज़ा हमने दिलवाई तुम, अपने बच्चा की तरबियत नहीं की, उसकी सही से परवरिश नहीं की, इसलिए तुमको ये भुगतना पड़ा। तो मेरे भाइयों, बच्चा बालिग होने से पहले माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी सही तरबियत करे, वो उसकी सही गाइड करे। वो बच्चा उसका मुस्तकबल है, वो बच्चा उसका फ्यूचर है, वो बच्चा आगे चल के उसकी रीढ़ की हड्डी का सहारा है। अगर वो उस बच्चा को सही से तरबियत नहीं करेगा तो मुआसरा समाज में जो होगा होगा, वो बाप का भी नहीं होगा आगे चलकर, वो बाप भी अपने बेटा के नाम से हाथ धो बैठेगा, वो बाप भी अपने बच्चा की कमाई खाने के लिए तरसेगा और बड़ी बड़ी मुसीबत में वो बच्चा भी उसका काम नहीं आएगा। इसलिए कि उसने पहले ही जो है अपना हाथ काट के रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत है बुलूगत से पहले माँ बाप की जो जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों की तरबियत की, वो माँ बाप को समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, कैसे उसके परवरिश हो रही है। और फिर वही बच्चा माँ बाप ने जैसे ही जो भी गाइड किया, उसकी तालीम और तरबियत की, अब उसके पीछे छोड़ दो। जब वो बुलूगत को पहुँच गया, बालिग हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, तो अब उस बच्चा के ऊपर जिम्मेदारी बनती है, हमारी इज्जत कैसे बनेगी। हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, हमको कैसा बनना है, हमको क्या बनना है, लोग हमको कैसे अच्छा कहेंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमको अच्छा बंदा कैसे कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारा एक कोई मकाम कैसे होगा। माँ बाप की जिम्मेदारी से अब आप अलग हो गए। अब अपने आप में सोचो, अपने आप में गौर फिक्र करो। वो दो चीज़ें हैं, उन दो चीज़ों को आपको हमेशा लाजिम पकड़ना है। आज हमारा मुस्लिम समाज इन दोनों चीज़ों में बहुत पीछे है, दोनों चीज़ों में बिल्कुल नहीं के बराबर है, दोनों में बिल्कुल वो ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं। जिससे आपकी क्वालिटी बढ़ती, आपका लेवल बढ़ता, आपका छाप बढ़ता, आपकी इज्जत बढ़ती समाज में भी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में भी। वो दो चीज़ें क्या क्या है? नंबर एक ईमान है और नंबर दो इल्म है। ईमान है और इल्म है। ईमान है तो जितना इल्म आपके पास रहेगा उतना ही आपका ईमान बढ़ेगा, और जितना इल्म रहेगा उतना ईमान बढ़ेगा, जितना ईमान आपके पास रहेगा उतना ही इल्म हासिल करने का शौक आपको पैदा होगा। इसलिए कि ये इल्म क्या है? ये डिक्शनरी है, ये गाइड है, ये आपके ईमान को ये मजबूत करेगा, आपके ईमान को सही करेगा, आपके ईमान को ये इजाफा करेगा, बढ़ाएगा। बगैर इल्म के अमल अगर हो जाए और वो अमल दुरुस्त ना हो तो आपका ईमान बढ़ नहीं सकता है। आपका ईमान, आप तो काम कर रहे हैं लेकिन तरीक़े से नहीं कर रहे हैं, तालीम के ज़रिए नहीं कर रहे हैं, इल्म के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए काम होने के साथ साथ उसमें गलत होने का इम्कान भी है। आप वज़ू बना रहे हैं नमाज सही करने के लिए, अगर वज़ू बनाने का तरीक़ा आपको मालूम नहीं होगा तो आपकी नमाज सही हो जाएगी? नमाज सही होने के लिए वज़ू का सही होना ज़रूरी है। तो कोई भी काम करने के लिए उससे पहले उसका इल्म का होना ज़रूरी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब ही बांधा है बुखारी के अंदर, बाबुल इल्म कबल अल अमल। इल्म अमल से पहले ज़रूरी है।
इल्म अमल से पहले ज़रूरी है। किसी तरह की भी मिसाल आप इसमें फिट कर सकते हैं। आप कोई आदमी 8 लाख रुपये में 10 लाख रुपये में गाड़ी ख़रीद लिया, पैसा था ख़रीद लिया, कभी उसने ड्राइविंग सीखने की कोशिश नहीं की और खुशफहमी में मुबतला हो गया। मैंने गाड़ी ख़रीदी, शोरूम से ख़रीदने के बाद सोचता मैं अपने से चला करके ले जाऊंगा घर। कभी उसने गाड़ी चलाई नहीं और शोरूम से नई गाड़ी निकाल कर वो कहेगा कि मैं खुद से चला करके ले जाऊंगा, तो आपको लग रहा है कि वो सही सलामत घर पहुंच जाएगा गाड़ी लेके? वो घर क्या पहुंचेगा, वो कब्रस्तान पहुंचेगा। कोई टेलर है, कपड़ा कटिंग उटिंग का तालीम उसके पास नहीं है और दूसरे का कपड़ा उसने ले लिया, हम तुम्हारा पेंट कोट बहुत अच्छा बना देंगे, वो कैंची लेके कभी इधर काट रहा है उधर काट रहा है, कपड़ा भी बर्बाद कर देगा। वो अच्छा कपड़ा तब तैयार करके वो दे सकता है। तो ये दुनियावी छोटी छोटी दो मिसालें हैं। यही चीज़ शरीयत में भी है। आप नमाज पढ़ने के लिए आओ तो नमाज की तालीम होनी चाहिए, आप हज करने के लिए जाओ तो हज की तालीम आपके पास होनी चाहिए। खाली आने और जाने से नहीं होता है। इसलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आता है जनाजे की जब भीड़ देखते हैं तो मुझे लगता है कि जब दो चार बात कहने के लिए आलिम आगे खड़ा होते हैं और कुछ बात रखते हैं तो वहाँ भी इस तरह की बात की जाए कि जितने लोगों को जनाजा की दुआ याद है वो खड़े रहे, बाकी लोग लाइन से हट जाए, ज़रूरत नहीं है। ये मेला नहीं है कि भीड़ लगाने के लिए आके कतार में और लाइन में खड़े हो जाए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इसे। बिना दुआ में नमाज में और कतार में आके खड़े हो जाने वाले से उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। क्या है ये? ये मोदी सरकार का कोई राशन बढ़ रहा है? गला अनाज बढ़ रहा है? लाइन में खड़ा हो जाओ, आपको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। वहाँ पढ़ने की चीज़ है, वहाँ याद करने और मेहनत करने की चीज़ है। पहले आप याद करो उसके बाद लाइन में जाओ, वहाँ आपको भी पढ़ना है। खड़े हो जाएंगे, क्या बात है भाई, ज़िंदगी गुजर गई, हज़ारों जनाजा तुमने पढ़े, माँ बाप के जनाजा पढ़े, अपनी बीबी के जनाजा पढ़ोगे, कितने ऐसे अपने बेटों के जनाजा पढ़ रहे हो, आज तक तुमको दुआ याद नहीं है? क्या क्या पढ़ना चाहिए? सूरह फातिहा तो पढ़ते ही है नमाज में, वो तो पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ तो पढ़ते ही, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये तो आपको याद है। पूरी ज़िंदगी में एक दुआ अल्लाहुम्म अग़फिर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गाइबना आपने याद करने की कोशिश नहीं की? माइक में ऐलान हो गया, उजू बना, भागो भाई, चलो जनाजा की तरफ, क्या है? याद करने की कोशिश की है कभी? नहीं किए। क्या फ़ायदा हुआ अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में? जहाँ जाने से मौत याद आती है, जहाँ जाने से मौत की फिक्र होती है, जहाँ जाने से आखिरत के बारे में कुछ तो सोचना पड़ता है, उसके लिए एक दुआ याद करने की फिक्र नहीं की हमने? यहाँ बैठ कर के, वहाँ बैठ कर के, इधर की बात उधर की बात, माफ़ कीजिएगा ये शायद रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कैसेट जहाँ तक जाएगी सारे लोग गौर करेंगे, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस नज़रिया में कोई आलिम मुझे गलत नहीं कह सकता है। आप लोग कोशिश करो, दुआ लेके बैठ जाओ, याद करो, ज़रा सा फिक्र क्या करो मेरे भाई। दो चीज़ें हैं बुलूगत को पहुंच जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे आपका मकाम ऊंचा होगा, आपका दर्जा बुलंद होगा, आपकी नाक ऊंची होगी। वो है एक ईमान और एक है इल्म। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान तो बहुत पहले से मिला हुआ था। आप जब अपनी माँ के पेट में थे उसी वक़्त से आपके नबी होने के चमक दमक आमेना को दिखाई दे रही थी कि मेरे बतन से जो एक
बेटा पैदा होगा वो बेटा ही नहीं होगा बल्कि वो एक नूर होगा, एक रोशनी होगी जो मशरिक से मगरिब तक उसके ज़रिए से नूर फैलेगा, रोशनी ही रोशनी फैलेगी। तो वो आमेना को इस बात का एहसास हो गया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि मैं तीन चीज़ों का मजमुआ हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ मैं, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और अपनी माँ के ख्वाब की ताबीर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए दुआ की थी, रब्बना वबासीहिम रसूलम मिनहुम, ऐ अल्लाह एक रसूल तू भेज, एक रसूल तू भेज, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, मेरे बारे में की थी। और ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को खुशखबरी सुना दी थी कि मेरे बाद एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा जिनका नाम होगा अहमद, वो अहमद मैं हूँ, वो मोहम्मद मैं हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम की मैं क्या हूँ, तस्दीक हूँ, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मैं दुआ हूँ। और हमारी माँ ने ख्वाब में देखा था, जब मैं माँ के पेट में था उस वक़्त मेरे माँ ने ख्वाब में देखा था कि मेरे बतन से एक नूर निकलेगा जो मशरिक से मगरिब तक रोशन ही रोशन चारों तरफ फैलाएगा। तो वो मैं तीन चीज़ों का मजमा हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में, अमल में, बर्ताव में, हर चीज़ में नबी होने के लायक थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको नबी बनाया, नबुव्वत सौंपी। तो ईमान की वजह से तो अल्लाह के नबी का मकाम बहुत ऊंचा था, लेकिन इल्म के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बहुत पीछे थे, कोई इल्म नहीं था। जब 40 बरस की उम्र हो गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये तो नबी हैं, इनको तो नबी हमने बनाया, पूरी कायनात का रहबर बनाया, पूरी कायनात का मुअल्लिम बनाया। तो मुअल्लिम को भी तो इल्म होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म भेजना शुरू कर दिया, जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जिब्रील अमीन जाओ, मेरा फला बंदा फला जगह मेरी इबादत में मसरूफ़ है, आप जाइए उनके पास और उनको कुछ सिखा के आइए। कहा क्या सिखाऊं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद कलमात दिए और वो कलमात लेकर के आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। कहा मोहम्मद इकरा, मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह के नबी ने कहा मा अना बेखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, न मैं कभी मकतब गया, न कभी प्राइमरी स्कूल गया, न मेरे पास कोई और डिग्री है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मा अना बेखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्रील अमीन ने कहा पढ़ो, फिर कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तीसरी बार कहा पढ़ो मोहम्मद, मुझे पढ़ाने के लिए भेजा गया है, बगैर पढ़ाए मैं वापस नहीं जा सकता हूँ, तुमको पढ़ना पड़ेगा। कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं तो पढ़ूँगा क्या? क्या नहीं पढ़ेगा? जिब्रील अमीन ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे सीने से लगा करके इतना ज़बरदस्त दबाया और दबाते जा रहे और पढ़ते जा रहे, पढ़ इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, इतना ज़ोर से दबाया, इतना ज़ोर से दबाया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे खशी तो अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खदशा होने लगा कि मुझे लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी, इतना ज़ोर से दबा रहे हैं, दबा रहे हैं ज़ोर से, उनको डर लग रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन जिब्रील अमीन अपने सीने से मोहम्मद के सीने में अल्लाह के कलमात दबा करके लगा करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मोहम्मद के सीने में ये कलेमात चले जाए जिब्रील अमीन से। जैसे ही दबाया
और जिब्रील अमीन पढ़ते जा रहे थे तो इतना जोर जोर पढ़ने लगे, इतना जोर जोर पढ़ने लगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहना पड़ा, या मोहम्मद ला तुहर्रिक बी लिसानक वला ताजल, मोहम्मद उतनी जल्दी जल्दी मत पढ़ो, आराम आराम से पढ़ो, ठहर ठहर कर पढ़ो, इतना तेज पढ़ने लग गए। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान में बहुत मुकम्मल इंसान है, मगर उनको इल्म मिल जाने से उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ेगा, उम्मत को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले इल्म की तालीम दी। पूरा तरीका नहीं बताया कि मोहम्मद तू हज कैसे करेगा, मोहम्मद तू नमाज कैसे पढ़ेगा, मोहम्मद तू ज़कात का मसला कैसे बताएगा, मोहम्मद तू शादी बिया का मसला कैसे हल करेगा। नहीं, मोहम्मद पहले आपको पढ़ना होगा, आप पहले पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के मामले में सबसे पहले वही नाजिल की। पूरे कुरान मजीद में कोई मसला पहले नहीं उतरा, सबसे पहले अगर उतरा तो पढ़ने के बारे में, इल्म के बारे में। पढ़ो मेरे भाइयों, आज हम अपने में जो हैं वो तो माफ़ कीजिएगा, कितने पछता रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं कि आप पर क्या गुज़र रहा है जब शिक्षा और तालीम और इल्म की बात करते हैं तो। लेकिन इतना समझने के बावजूद अपने बच्चों के बारे में फ़िक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की सही तरबियत क्यों नहीं करना चाहते हैं। आज लॉकडाउन में स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। मैं आपको बताऊँगा कि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो हमारे बच्चों ही की सिर्फ तालीम बंद है? हमारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, ट्यूशन छूटा हुआ है, ट्यूशन में क्या पढ़ते नहीं पढ़ते माफ़ कीजिएगा, हमारा भी उसमें ध्यान नहीं है, कब पैसा देते नहीं देते हैं। लेकिन आप दूसरे के बारे में देखिए कि उनके बच्चे बैठे हुए नहीं हैं। 8 क्लास में अगर उनका बच्चा पढ़ रहा था तो वो 8 क्लास के पूरा जो सब्जेक्ट है, विषय है, पूरी किताब उठा करके लाया है और ट्यूशन में पूरा क्लास की तरह उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने किताब भी उठाने की कोशिश नहीं की, इंतज़ार में बैठे हुए हैं कब स्कूल खुलेगा, स्कूल से बटेगा तब हम बच्चों को पढ़वाएंगे। और वो पैसे दे के ख़रीद करके लाए हैं और अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं। अगर जुलाई महीने में या जून महीने में ऐलान हो जाएगा 8 क्लास के बच्चा का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके बच्चे 100 में से 80, 85, 90 तक नंबर ला सकते हैं। और आपका बच्चा को समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या लिखना है, मैंने तो कभी किताब देखी ही नहीं है 8 क्लास की। ये तो दुनियावी तालीम का हाल है, दीनी तालीम के बारे में भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे नमाज का तरीका कैसे सीख ले, कुरान पढ़ना कैसे सीख ले, आपका बच्चा हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए। आपके अगर 2-3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो सिखाना तो सबको ज़रूरी है, लेकिन मुकम्मल आलिम और हाफिज एक आदमी अपने 3-4 बच्चों में से एक बच्चा को हाफिज और आलिम बनाना अपने ऊपर फ़र्ज ऐन समझ लीजिए, जो आपके घर में एक चिराग का काम आएगा, एक लाइट का काम आएगा। 4 बच्चे, सबको होटल और बेकरी में भेजने की ज़रूरत नहीं है, सबको किसी और काम में लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए हमारे। एक बच्चे, अगर 4 बच्चे हैं तो अहद करके जाए, उससे आपका फ़ायदा होगा, उलमा से मोहब्बत आपकी बढ़ेगी, उलमा से इज्जत आपकी बढ़ेगी। मैंने एक आयत पढ़ी थी, तर्जमा सुन लीजिए, खुतबा ख़त्म कर देते हैं। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का इल्म हासिल करने के बारे में इतना शौक़ और जज्बा था कि अल्लाह के नबी के पास सहाबा बैठ जाते तो उठने का नाम ही नहीं लेते। क्या दोपहर के खाने का टाइम है, क्या लंच का टाइम है, क्या बैल बकरी देखने का टाइम है, क्या खेती बाड़ी का टाइम है,
नबी के पास बैठ गए तो उठने का नाम ही नहीं लेते। नहीं, अल्लाह के रसूल के पास बैठे हैं तो अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं, शरीयत की तालीम मिल रही है, दीन सीखना मिल रहा है, उठने का नाम ही नहीं लेते सहाबाए किराम। आखिर में देखा कि कितने लोग ऐसे भी हैं इसमें से जो प्राइवेट में कुछ मसला मालूम करना चाहेंगे अल्लाह के रसूल से, और लोग हट ही नहीं रहे हैं, तो आदमी कैसे पूछेगा प्राइवेट में अपनी बात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल कर दिया, कहा मोहम्मद आप इन लोगों को सुना दीजिए, वैजा कीला लमुनसुजू फनसुजू यरफाइल्लाहु, जब वो लोग नहीं हट रहे हैं तो उनसे कहा गया उनसुजू तुम लोग खड़े हो जाओ, उठ जाओ, जितना मालूम होना था मालूम कर लिए, अल्लाह के रसूल ने जितना बता दिया तुम लोग सुन लिए, अब बैठ के मत रो वहाँ, भीड़ मत लगाओ वहाँ, अब आप लोग वहाँ से निकल जाओ, उठ के चले जाओ। जिसको अपनी तन्हाई में प्राइवेट कुछ बात पूछना रहेगा वो पूछेगा, मालूम करेगा। आगे उसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जिसके पास ज़ौक होगा शौक होगा वो इल्म हासिल करने के लिए बैठेगा, और जितना इल्म हासिल करेगा उसका ईमान उतना ही मजबूत होगा, उनका ईमान उतना ही बढ़ेगा। यरफाइल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम लोगों में से जो ईमान लाए हैं और जिनको इल्म दिया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात को बुलंद करता है, उनके दर्जात को बुलंद करता है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, जो कुछ तुम लोग अमल करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे एक एक अमल की खबर है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़रा आप ज़रूरत महसूस कीजिए कि हमारा ईमान कैसे मजबूत होगा और हमारे पास शरीयत का इल्म कैसे होगा। ये दो चीज़ें इंतहाई ज़रूरी है। जब आपके पास इल्म आएगा आपका ईमान मजबूत होगा, आपके पास ईमान अच्छा रहेगा, इल्म हासिल करने का शौक़ पैदा होगा। इस दोनों लाजिम मलजुम चीज़ है और दोनों ही ज़रूरी है।